इट मीन्स कि जो भी नॉमिनीज होते हैं इस अवार्ड के लिए वो उनका 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक डोमेन में. ये जो 4 डोमेन आप देख रहे हो, डायरेक्ट केयर, एडुकेशन, मैनेजमेंट और रिसर्च. Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Susmita and today we are going to talk about the National Florence Nightingale Nurses Award 2024. So, इसके बारे में आगे देखने से पहले हम ये जाने कि फर्स्ट टाइम इसे इंट्रोड्यूस कब करा गया था. Like 1973 में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो आता है, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करा था फॉर दोज नर्सेज जिन्होंने इंडियन सोसाइटी में लाइक सोसाइटीज़ में हमारे काफ़ी हेल्प करा. इट मीन्स कि एज वी नो कि नर्सेज होती आर द बैकबोन ऑफ हेल्थ सेक्टर. सो इन दैट केस वी गेट टू नो कि इट वॉज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1973 एज अ रिमार्क ऑफ रिकॉग्निशन मेरिटोरियस सर्विसेज रेंडर बाई द नर्सेज एंड नर्सिंग प्रोफेशनल्स टू द सोसाइटी. सो जो भी नर्सेज और नर्सिंग प्रोफेशनल्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, कितना उनका इंपॉर्टेंस है, इन चीज़ों को मार्क करने के लिए 1973 में फर्स्ट टाइम इसे इंट्रोड्यूस करा गया था. एंड फॉर नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस ईयर लाइक 2024 अवार्ड्स, सो इट वॉज by the President of India, Draupadi Murmu, she presented this award, National Florence Nightingale Award 24, to the nursing professionals on 11th September 2024 in Rashtrapati Bhavan. सो जनरली ये जो अवार्ड है वो प्रेजेंट करा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. और फॉर नाउ एज वी नो डैट 2024 में जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ही इस अवार्ड को प्रेजेंट करा था. सो अगर हम अवार्ड्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली देर आर सम क्वेश्चंस दैट अराइज इन आवर माइंड एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स द एस्पिरेंट, जो कुछ क्वेश्चन उनके माइंड में अराइज होते हैं कि कौन इस अवार्ड को गेट कर सकता है, कितने स्टूडेंट को मिला था ये अवार्ड, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो कि इस अवार्ड में क्या क्या चीज़ें लाइक अवार्ड्स के साथ और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाती हैं. सो फॉर दिस आई हैव पॉइंटेड सम पॉइंट्स हियर, सो यू कैन गो थ्रू इट वंस. लाइक नॉमिनीज मस्ट बी प्रैक्टिसिंग नर्सेज ऑफ विद एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस इन वन डोमेन ऑफ नर्सिंग. इट मे बी डायरेक्ट केयर, एजुकेशन, मैनेजमेंट और रिसर्च. इट मीन्स कि जो भी नॉमिनीज होते हैं इस अवार्ड के लिए वो उनका 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक डोमेन में. ये जो 4 डोमेन आप देख रहे हो, डायरेक्ट केयर, एजुकेशन, मैनेजमेंट और रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इस अवार्ड में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं. For that, you can say that each award consists of a certificate of merits, cash award of rupees 1 lakh each, and also a medal. Next question, कि ये award किस-किस format में दिया, like किन-किन को दिया जा सकता है, किन-किन area के लोग इसमें include होते हैं. So, अगर nurses की बात करें तो ये award उन nurses को दिया जाता है जो या तो central में employed हैं या state या union territories में, अगर कोई voluntary organizations में भी वो अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं. दिस ईयर इफ यू टॉक अबाउट दिस ईयर, तो 15 अवार्ड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नर्सेस को दिए गए थे और उनके नाम यहाँ मेंशन करे गए हैं. इट मीन्स कि अगर आप इसे गो थ्रू करो तो इसमें ANM के भी हैं नर्सेस, LHV नर्स. सो ये 15 नेम्स है और जो 15 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के यूनियन टेरिटरीज के हैं. अगर मैं कुछ के नाम बताऊं तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि दिस कैटेगरी यानी ANM कैटेगरी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की रहने वाली जो मिस शीला मोंडल हैं, इन्हें दिया गया था, ये एक नर्स हैं, इन्हें दिया गया था अवार्ड. नेक्स्ट आप बात कर सकते हो जैसे अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज के जो नर्सेज हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है हेल्थ सेक्टर में, उन्हें ये अवार्ड्स दिए गए थे. सो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक नोट्स, आप इसका नोट्स ले सकते हो, लाइक स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो और फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में. बाकी कैसा लगा वीडियो आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच.